नमस्कार, सलाम अलैकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, खबर वसई विरार में कल वायरल हुए एक वीडियो को लेकर, जो खबर पहले हम बना चुके हैं उसी खबर में एक नई अपडेट है। दरअसल कल आगरी सेना के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष कैलाश पाटिल और उनके सहयोगियों के ऊपर जो आरोप लगे थे खंडनी के, उस मामले में मैंने विस्तृत रिपोर्ट इसके पहले बनाई है, आप में से कई लोगों ने देखा होगा। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ और भी आया है। दरअसल इस मामले में रास्ता बनाने वाली सुभाष कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो कॉन्ट्रैक्टर और मैरिटाइम बोर्ड के इंजीनियर, उन दोनों का आज बयान सामने आया है। इन दोनों ने इस तरह के आरोपों का खंडन करते हुए इन आरोपों को सिरे से नकार दिया और फिर कैमरे के सामने ये बात कही कि इनसे किसी ने पैसे की डिमांड नहीं की है। तो जो कल हम इससे पहले जो वीडियो लगा चुके हैं, जिसमें आगरी सेना की टीम ने जो खुलासा करते हुए कहा था कि ये सब बेबुनियाद है, तो कहीं ना कहीं उनकी इन बातों पर मोहर लगती दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं ऐसा मालूम दिखाई पड़ रहा है कि कुछ तो साजिश इसमें हुई है। अब यही है कि क्या साजिश थी उसका खुलासा होना चाहिए, ताकि सभी के सामने सच्चाई आए और किसी की बेवजह बदनामी नहीं हो। देखिए वो वीडियो जिसमें मैरिटाइम बोर्ड के इंजीनियर का क्या कहना है और रास्ता बनाने वाली कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर का क्या कहना है। नमस्कार सर, दो दिनों से वसई विरार में एक वीडियो को लेकर काफी चर्चा बनी हुई है, जिसमें आगरी सेना के कैलाश पाटिल के ऊपर ये आरोप लगा है कि उन्होंने जो सड़क निर्माण हो रहा है उसमें उन्होंने खंडनी मांगी थी। इसकी सच्चाई क्या है? क्या आप लोगों से खंडनी मांगी गई थी? नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ना किसी का हमको फोन आया, ना कभी किसी से बात हुई है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। खाली काम की क्वालिटी के बारे में चर्चा डिपार्टमेंट से के थ्रू मेरे पास आ रही थी, उसके बगैर कुछ भी नहीं। वो जो बच्चों ने आरोप लगाया है, जो वीडियो में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि एक लड़का है जो बोल रहा है कि कैलाश पाटिल ने खंडनी की डिमांड करी है, उनके साथ आपका रिलेशन क्या है? कुछ ऐसा रिलेशन नहीं है, मैंने वीडियो देखी नहीं है। मैं 4-5 दिन से आया ही नहीं हूँ, मेरी मम्मी बीमार है इसलिए मैं हॉस्पिटल में था, मेरे को इसके बारे में कुछ पता नहीं है। त्याच्यातला एक जो मुलगा होता त्याचा असं म्हणणं आहे की तो तुमचा नातेवाईक आहे। माझं तिथे कोणी नातेवाईक नाही आहे। मग तुम्ही आज जे आरोप कैलाश पाटलांवरती केलेला आहे ते आरोप खोटे आहेत असं मी समजायचं? खोटे आहेत सर। ज्या कंपनीला याचा ठेका दिला होता त्या कंपनीचं नाव काय? सुभाष कंस्ट्रक्शन। सुभाष कंस्ट्रक्शन, याचे मालक मोहिते। मोहिते, आज प्रकरण थोडा वेगळा झालेला आहे। आगरी सेनेचे कैलाश पाटील ज्या वेळेला त्या रोडची पाहणी करण्यास गेले होते त्यावेळेला त्यांच्यावरती काही समाजकंटकांनी आरोप केलेला आहे की कैलाश पाटलांनी खंडणी मागितली होती, आपल्याकडनं काही खंडणी वगैरे मागितली गेली होती, किंवा आपल्याला धमकी दिली होती, किंवा आगरी सेनेकडनं आपल्याला कोणत्याही प्रकारचं आश्वासन केलं गेलं होतं, असा काही प्रकार घडला होता? नाही नाही, आम्हाला फक्त एकदा जयेश पाटलांकडून क्वालिटीच्या बाबतीत विचारणा झाली, तेवढंच एकदा दोनदा विचारलं त्यांनी, त्यांना आम्ही सांगितलं क्वालिटीप्रमाणे काम करणार। सर, उस कंपनी में आप किस पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं? कंपनी में नहीं, महाराष्ट्र मैरिटाइम बोर्ड में हूँ। किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं आप? एयरपोर्ट इंजीनियर। नाम क्या सर, आपका जान सकते हैं? प्रवीण पाटील। ये ज्या ज्या लोकांनी काकांवरती आरोप केलेले त्या लोकांशी तुमचा काही निगडीत संबंध वगैरे काय? नाही नाही, आमचं आता काही इन्स्ट्रक्शन आहे ते आम्ही कॉन्ट्रॅक्टरला देतो, लोकांशी काय तसं संबंध आणि काय प्रकार झालाय तो आम्हाला माहीत पण नव्हतं, इथे आल्यानंतर समजलं। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।